स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म पुष्पा का खुमार तस्करों में चढ़ा, चंदन लकड़ी की तस्करी करते एक गिरफ्तार, बिलासपुर। इन दिनों सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा का खुमार चढ़ा हुआ है। देश भर में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हर वीडियो में हर कोई पुष्पा का नाम लेकर कभी ना झुकने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने चंदन लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड से पुलिस ने करीब 100 किलो सफेद चंदन जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि 15 नग श्वेत चंदन, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है, उसे उत्तर प्रदेश में तस्करी के लिए बस स्टैंड पर दो युवक खड़े थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस बस पहुंची, लेकिन पुलिस की गाड़ी को देख दोनों युवक मौके से भाग गए। पुलिस का अनुमान है कि सफेद चंदन की खुशबूदार लकड़ियों को दो युवक बिक्री करने के लिए खड़े थे। अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि सफेद चंदन की लकड़ी की कटाई और परिवहन प्रतिबंधित है। सफेद चंदन का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और धार्मिक कार्यों में किया जाता है।